उपमंडल के दार चटियार क्षेत्र की कोठी पंचायत के सम्मिलित गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम बैजनाथ छवि नांटा को ज्ञापन सौंपकर उक्त गांव में खुलने वाले शराब के ठेके का विरोध किया है। वहां मौजूद कोठी पंचायत की प्रधान सरबजीत कौर, संसाई पंचायत के प्रधान विनोद कुमार, बीडीसी सदस्य सुमना देवी सम्मिलित वार्ड पंच गुरु बच्चनी देवी, महिला मंडल प्रधान राजनगर रेखा देवी तथा गांव की महिलाएं निर्मला देवी, सत्या देवी आदि की मौजूदगी में ग्राम पंचायत प्रधान ने एसडीएम को शिकायत पत्र भी सौंपा। विनोद कुमार ठाकुर ने बताया कि सम्मिलित गांव के वार्ड नंबर 4 में देशराज पुत्र बमरी राम ने गत रात्रि को 8 बजे एक्सरसाइज एवं टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर शराब का ठेका खोलने की कोशिश की, जिसका विरोध जब स्थानीय लोगों ने किया तो देशराज और उसका परिवार सभी गांव वासियों पर लाठियां लेकर टूट पड़े, जिससे कुछ लोग घायल भी हुए हैं, यहां तक कि महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस चौकी चढ़ियार को दी। मौके पर पुलिस ने भी बयान और रिपोर्ट दर्ज की। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर अवैध रूप से बेची जाती है शराब, इसके लिए विभाग ने 2 बार छापा भी मारा मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी है कि अगर अब भी वहां पर ठेका खोलने की कोशिश की गई तो ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जिन लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की है उन पर पुलिस कार्रवाई करे, अगर पुलिस ने कार्रवाई न की तो ग्रामीण मजबूर होकर आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित कर विकास के नए आयाम पैदा करने के मकसद से जहां 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं इसके आयोजन को लेकर बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के कृषि, जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडे ने इन्वेस्टर मीट को सीएम जयराम ठाकुर का ऐतिहासिक कदम बताते हुए 85,000 करोड़ रुपए के MOU साइन होने की बात कही है। वहीं रामलाल मारकंडे का कहना है कि इन्वेस्टर मीट से जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, तो साथ ही 8 नवंबर को समापन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं रामलाल मारकंडे ने इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेसी नेताओं के फिजूल खर्चे के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेसी पार्टी को नीति विहीन और योजना विहीन पार्टी होने का आरोप लगाया, तो साथ ही कांग्रेसी नेताओं को इन्वेस्टर मीट से ज्यादा अपने पार्टी पर ध्यान देने की नसीहत दी है। वहीं रामलाल मारकंडे ने कांग्रेसी नेताओं के बयानबाजी पर चुटकी लेते हुए इसे पच्छाद और धर्मशाला सीट पर उपचुनाव में मिली हार के चलते बोकलाहट करार दिया है। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में मां ज्वाला दंगल कमेटी की ओर से इंटरनेशनल, नेशनल और प्रदेश के पहलवानों का दंगल आयोजित किया गया। मां ज्वालामुखी मंदिर से मां का आशीर्वाद लेकर के पुजारी महासभा प्रधान प्रशांत शर्मा, मन्नू माल्टा, नितिन भवनीश, अपूर्व स्मक कमेटी सदस्यों ने रस्म अदायगी की। उसके बाद विशाल दंगल का शुभारंभ किया गया। इस दंगल में 20 वर्ष के नौजवान पंचायत केसरी 2019 का खिताब पा चुके प्रीतपाल फगवाड़ा को फाइनल कुश्ती में जीत दर्ज करने पर गुच्छ के साथ 1,00,000 कैश पुरस्कार दिया गया। मां ज्वाला दंगल कमेटी के सदस्य राजन शर्मा, अनिश सूद, बंटू, थाना प्रभारी मनोहर लाल चौधरी, रजनीश थापा, सुखदेव, श्रवण शर्मा, नवीन ठेकेदार, मन्नू माल्टा, नितिन शर्मा, सौरभ शर्मा, कुलदीप चौधरी, शिव गोस्वामी, कुशवा ठेकेदार, अभिनव बंटी, ज्योति शंकर गुलजार, सोनू प्योम अन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालामुखी में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विशाल दंगल आयोजित हुआ है। अगले वर्ष भी मां के आशीर्वाद से दंगल आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल,
पूरे देश से पहलवानी दंगल में पहुंचे लड़कियों की कुश्ती भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।